हेलो दोस्तों, हमारी लाइफस्टाइल में बहुत सारा सुधार आजकल देखने को मिलता है, लेकिन एक चीज भी देखने को मिलती है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की बीमारियां भी काफी सारी लग चुकी है। दोस्तों मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आना चाहूंगा। दोस्तों आप देखिए कि बारिश से जो भी पानी इस धरती पे आता है वो डिस्टिल वाटर होता है, लेकिन पहाड़ों से निकलकर या फिर जमीन से निकलकर इनो खनिज के माध्यम से जो भी पानी आज हमारी तरफ आता है उसमें काफी सारे मिनरल्स ऐड होते हैं जो हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व माने जाते हैं। लेकिन ये पोषक तत्व अगर एक लिमिट से ज्यादा अगर हो जाते हैं तो डेफिनेटली ये हमें हानि पहुंचा सकते हैं, हमारे ऑर्गेन्स को हानि पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमें एक नॉर्मल पानी जो पीने लायक पानी WHO जैसे कहता है कि 200 टीडीएस से 300 टीडीएस का पानी, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स का पानी अगर हमको पीना है या हमारे सेहत के लिए ठीक है, उससे ज्यादा डिसॉल्व्ड सॉलिड्स अगर उसमें होते हैं दोस्तों तो हमारे ऑर्गेन्स को उनको बैलेंस करने के लिए काफी प्रयास करना पड़ता है, राइट। और जितना ज्यादा हम अपने ऑर्गेन्स का इस्तेमाल करेंगे उसका वेयर एंड टियर उतना ज्यादा होगा, यानी उसका ऑर्गेन का जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे खत्म होगा और वो हमारी बॉडी को इफेक्ट करेगा। दोस्तों हमारी पूरी बॉडी टिश्यूज से सेल बनता है, सेल से ऑर्गेन बनता है, ऑर्गेन से हमारी पूरी बॉडी बनती है। तो अगर हम अपने पूरे टिश्यू का अगर हम ख्याल कर सकते हैं तो डेफिनेटली हमारी पूरी बॉडी सही रहेगी। तो टिश्यू का ख्याल कैसे करेंगे दोस्तों, हमारे पूरे शरीर में अगर 100 किलो हमारा वजन है तो उसमें 70% यानी 70 किलो पानी होता है। हर एक ऑर्गेन में अलग अलग मात्रा में पानी होता है परसेंटेज वाइज, बट ऑन एन एवरेज कहा जाए बॉडी में 70% पानी होता है। ये 70% पानी जो हमारी बॉडी में जा रहा है और हमारी बॉडी इसको काम में ला रही है, क्या वो सही तरीके का पानी है, क्या वो स्वच्छ और शुद्ध पानी है, स्वच्छ और शुद्ध पानी है, या फिर चलिए स्वच्छ भी हो सकता है शुद्ध भी हो सकता है, लेकिन क्या वो सेहत के लिए सही पानी है। दोस्तों हर चीज वो जो अच्छी होती है वो सेहत के लिए अच्छी होगी नहीं होगी हमें पता नहीं है, राइट। तो दोस्तों देखिए, बारिश के माध्यम से जो हमें पानी मिलता है उसमें काफी सारे बड़े पैमाने पे मिनरल्स पाए जाते हैं। कुछ रीजनल एरियाज में मिनरल्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि उसका टीडीएस घटाने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस यानी आरओ का प्रोसेस किया जाता है। सिटी लेवल पे चलो कॉर्पोरेशन का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो भी पानी आता है उसमें इसकी दिक्कत नहीं पाई जाती, लेकिन यस आमतौर पर अगर म्युनिसिपल एरिया से छोड़ के अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो टीडीएस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वहां पे किडनी स्टोन की बीमारियां या अलग अलग बीमारियों का सामना हमें करना पड़ता है। वो हम तो हमारे वॉशरूम्स में, बेसिन्स में, सिंक्स में या फिर बर्तन जो भी इस्तेमाल करते हैं ना रेगुलर बेसिस पे, उसमें देखेंगे काफी सारे मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं। दोस्तों अगर ये हाल अगर बर्तनों का है जो हम रेगुलर वॉश करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो ऑर्गन है उसका क्या होता होगा। तो ये ठीक बात है कि हम रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस को अपनाते हैं और हमें हर एक घर में आज आरओ की प्रोसेस देखी जाती है, इट्स अ गुड थिंग। लेकिन जैसे हमने अपने डिवाइस को चेंज किया, मोबाइल को चेंज किया, टेपरेडर से लेके सीडी से लेके अभी टच स्क्रीन तक आ गए, पेन ड्राइव तक आ गए थे, अभी तो डिवाइसेस तो मोबाइल में भी आ गए, स्टोरेज स्पेसेस क्लाउड स्टोरेज तक हम आ गए। दोस्तों क्या हमने अपने पानी के मशीन में तब्दीली की है, क्या हमने अपने पानी के मशीन को अपग्रेड और अपडेट किया है? और ऐसा नहीं कि वो लाइफस्टाइल के लिए करना है, वो हमारी सेहत के लिए करना जरूरी था। दोस्तों जब तक हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिली तब तक हमने उसको इस्तेमाल किया, लेकिन आज मैं जो इंफॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूं आपके पानी में क्या होना चाहिए, डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कहता है या फिर बड़े बड़े जो रिसर्च हुए हैं पानी के ऊपर, वो लोग क्या कह रहे हैं कि पानी में 3 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। आप कोई भी पानी पी लीजिए, लोकल पी लीजिए, कैसा भी पी लीजिए, आपके पानी में 3 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पहला प्रॉपर्टी होना चाहिए आपका पानी अल्कलाइन होना चाहिए, यानी उसका पीएच 7 एंड अबव 9 या 9.5 तक होना चाहिए, 7.5 8.5 या 9.5 के दरमियान का पानी आप पी सकते हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हैं, अल्कलाइन पानी पिएंगे तो हमारी बॉडी उसको अच्छा एब्जॉर्ब कर सकती है और उसका फायदा हमें उठाना जरूरी है। दोस्तों दूसरी बात, तीन चीजों में दूसरी बात यह है कि पानी हमारा एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में जो भी फ्री रेडिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स जब हम एंटीऑक्सीडेंट पानी पीते हैं तो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ना वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और हम बीमारी से बच सकते हैं। हर एक शरीर के अंदर कैंसर की बीमारियां निर्माण करने वाले यस सेल्स होते हैं, लेकिन जब तक हमारी बॉडी इसको फाइट करती है तब तक हमें कैंसर नहीं होता है दोस्तों। लेकिन जब ये फ्री रेडिकल्स एक मात्रा से ऊपर चले जाते हैं, हावी हो जाते हैं, तो डेफिनेटली हमारी बॉडी उसको डिफेंड नहीं कर पाती है और ये फ्री रेडिकल्स कैंसर का रूप ले लेते हैं, कोई भी कैंसर हो सकता है। तो अगर हमारे पानी में एंटीऑक्सीडेंट है और इन पानी में पानी को अगर हम रेगुलर सेवन करें तो दोस्तों फ्री रेडिकल्स कम हो जाएंगे और डेफिनेटली यस एजिंग प्रोसेस भी कम हो जाएगा और सबसे अहम चीज हम हेल्दी रहेंगे। तीसरी चीज,
अगर मान लीजिए आपके पानी में माइक्रो क्रिस्टल की प्रॉपर्टी है, नॉर्मल तौर पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पानी के, वो 15, 20, 25 मॉलिक्यूल्स एक साथ होते, तो डेफिनेटली वो टिश्यू में जाने के लिए या पेनिट्रेट करने के लिए, जैसे हम छाननी से कोई भी चीज छानते हैं, मान लीजिए चाय पत्ती हो सकती है, जो भी चीज हम छानते हैं, तो देखते थे ऊपर ऊपर भाग में क्या होता है, बड़ा कण होता है और नीचे से छोटा निकल जाता है। दोस्तों वैसा ही हमारा पानी बड़े बड़े क्लस्टर्स में होता है, मतलब जो ऊपर छाननी में रहेगा, तो टिश्यू में अंदर जाने से इसका दिक्कत आता है या टिश्यू के अंदर ये पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, तो हमारी बॉडी हाइड्रेट, यानी टिश्यू हाइड्रेट नहीं होते तो सेल हाइड्रेट नहीं होगा, सेल हाइड्रेट नहीं होगा तो ऑर्गन हाइड्रेट नहीं होंगे, और ऑर्गन हाइड्रेट नहीं होगा तो डेफिनेटली यस हमारी बॉडी हाइड्रेट नहीं होगी। सो दोस्तों अगर हर एक टिश्यू में जाने वाला पानी अगर हमको पीना है तो उसको कहा जाता है माइक्रो क्लस्टरिंग, यानी जो 15, 20 या 25 मॉलिक्यूल्स एक साथ होते हैं पानी के, उसको अगर हम अलग करें और 3, 4, 5, 6 मॉलिक्यूल्स अगर इकट्ठा रहे तो वो इजिली टिश्यू में पेनिट्रेट कर सकता है दोस्तों, हमारी बॉडी हाइड्रेट होगी और एंटी एजिंग यस होगा। यानी आपकी उम्र अगर 50 साल की है, आप रेगुलर इसका सेवन करेंगे, 60 साल के हो जाएंगे लेकिन लगेंगे नहीं कि 60 साल के है, जो हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं यंग रहूं। दोस्तों आज आयु अगर आप देखेंगे तो बायोलॉजिकली हमें 60-70 ईयर्स की एज तक ही अभी जीना पड़ रहा है भारत देश में, लेकिन एक्चुअली हमारा आयुमान होना चाहिए था 110-120 साल। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि सबसे अहम चीज जो हमारा खाद्य है, जो हमारा रहन सहन है, जो हमारा पानी है, जो हम ब्रीथ करते हवा है, इसकी वजह से। चलिए हवा के ऊपर तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो पानी पी रहे उसके ऊपर हम जरूर काम कर सकते हैं, खाने के ऊपर भी जरूर काम कर सकते हैं, खाने के समय, खाने के बाद या खाने से पहले भी जो पानी पीते उसके ऊपर हमको काम करना चाहिए। दोस्तों आपके पानी में 3 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, अल्कलाइन वाटर होना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए और माइक्रो क्लस्टर की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आप डेफिनेटली क्या होंगे, आप सेहतमंद रहेंगे। दोस्तों आगे की जानकारी आपके घर में ये 3 प्रॉपर्टीज कैसे लानी है, इसकी अगर जानकारी चाहिए तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मैं आपको हेल्प करूंगा कि आप अपने घर पे इन प्रॉपर्टीज को कैसे डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसी मशीन है, यस मशीन है, 1 आयन एनालाइजर है, 1 आयन अल्कली आयनाइजर वाटर मशीन है, जिसके माध्यम से आप ये तीनों प्रॉपर्टीज अपने घर पे ला सकते हैं। राइट दोस्तों, सो अधिक जानकारी के लिए आप मुझे संपर्क करें, आगे इन्फॉर्मेशन मैं आपको देते रहूंगा, पानी के लिए कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे बताइए, हम आपको मदद करेंगे। थैंक यू सो मच।